आज हम लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे क्या, एक बार ये बता देता हूँ। सिनॉप्सिस में अगर बोले तो दो ब्रॉड चीजें हमारे पास, एक है बार मैग्नेट्स, ये एक पढ़ना है, और दूसरा है अर्थ मैग्नेटिज्म। ये दो चीजें ब्रॉड टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, बाकी इनके ही अंदर सब क्लासिफिकेशन होगा। सबसे पहले चीज, जब हम बार मैग्नेट कहते हैं तो हम मीन क्या करते हैं। जैसे बार मैग्नेट सबसे पहली चीज है कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए के साथ बनते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जब हम बोलते हैं तो फिर ये जैसे मटेरियल मटेरियल का अगर क्लासिफिकेशन करोगे आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक है फेरोमैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक और एक है डायमैग्नेटिक। इन सबका डिटेल क्लासिफिकेशन मैं आपको इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो एक का अगर इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज स्पिन होता है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है। तो एक की क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मिला के अगर आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट उस एटम का निकालोगे तो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे जीरो आ जाती है। बट वही चीज अगर आप पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे जाते हो तो उसमें जो नेट मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एक एक एटम जो है वो खुद में एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी रखता है। एक एक एटम जो है वो खुद में एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखता है, तो इसलिए उसके साथ एक टर्म एसोसिएट करते हैं जिनको हम एटॉमिक मैग्नेट्स कहते हैं। मतलब एक एक एटम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब अनपेयर्ड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को रखता है। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा था, स्पिनिंग चार्जेस। मैंने लास्ट डे का लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो के वक्त भी पढ़ाया था वो, कि अगर एक चार्ज है जो गोल गोल चक्कर काटता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है ना, करंट आती है और करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है। याद है आपको? डू यू रिमेम्बर दिस? ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जब हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की बात कर रहे हैं तो वो स्पिन की वजह से भी क्या हो रही है, एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रही है। तो अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, मतलब जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये सारे जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं उनके सारे एटॉमिक मैग्नेट्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। एटॉमिक मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनको हम एक डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। तो एक डायरेक्शन में अगर सारे अगर अलाइन हो जाएंगे तो उसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, अब ये खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जहां पे ये सब्सटेंस मतलब ये जो बार मैग्नेट है वो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हुआ दिखता है। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोले तो जैसे अगर हम एक ऐसे सोचे कि लेट अस से कि हमारे पास एक बार मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये अगर हम बार मैग्नेट दिखा रहे हैं, सोचो दिस इज अ बार मैग्नेट, इधर पे नॉर्थ पोल दिखाते हैं, इधर पे हम साउथ पोल दिखाते हैं, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हम दिखाते हैं। नॉर्थ पोल की जगह पे जनरली आपको एक डॉट दिखेगा। बार मैग्नेट अगर खरीदोगे परचेज करोगे तो नॉर्थ पोल जहां पे होती है वहां पे एक डॉट बना होता है, तो उसी से पता चल जाता है कि वो नॉर्थ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल देखने का मतलब क्या होता है, इसको जब हम सोचते हैं, इसको विजुअलाइज जब करते हैं तो इसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि ये हमारे पास ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के अंदर एटॉमिक मैग्नेट्स बेसिकली अलाइंड है। तो अब ये एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइंड कैसे दिखाते हो आप यहाँ पे, वो ऐसे दिखाते हैं, जैसे ऐसे ये देखो एक पार्ट है जो स्पिन के लिए दिखा रहे हैं। स्पिन इलेक्ट्रॉन का ऐसे सोचो कि ये क्लॉक अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इधर ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो व्यू पे डिपेंड करता है, तो मैं इधर से देख रहा हूँ तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज बोलूंगा। तो इधर से देख के बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब इधर आ गया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे इधर नहीं लिखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ स्पिन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट इमेजिन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर स्पिन कर रहा है तो करंट इधर रहेगा, समझ आ रही है? तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही आएगी। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ऐसे ही बेसिकली ऐसे ही आपको बहुत सारे यू नो एटॉमिक मैग्नेट्स जो है वो सारे आपको ऐसे यू नो अलाइंड आपको दिखेंगे। ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। ठीक है, सो ये जो हमने दिखा रखा है, इस चीज का ध्यान रखना, ये बेसिकली एटॉमिक मैग्नेट्स को इंडिकेट करने के लिए है।
दीज आर एटॉमिक मैग्नेट्स, ठीक है। ये वाली पार्ट जो है ये दिस इज इंडिकेटिंग, अलग से लिख देता हूं, दिस इंडिकेट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एंड ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है आपको? अब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जब हम दिखाते हैं, नॉर्थ पोल मतलब कि जहां से, मतलब जहां पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट का हेड दिख रहा है, और साउथ पोल मतलब जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का आपको टेल दिख रहा है। तो इस केस में अगर आप फील्ड लाइंस अगर इसका ड्रॉ करोगे तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं हम, ऐसा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, एंड साउथ पोल पे आके एंटर करती है। तो इसको देख के अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह ही आपको लगेगा, जैसे प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ दिखाते थे, याद है आपको? प्लस क्यू से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ दिखाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और माइनस क्यू पे लाके क्या करते थे, एंटर कराते थे। बट एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, चाहे वो अंदर बोलो बाहर बोलो कहीं पे भी बोलो, हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। बट नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट ये उल्टा तरफ हो जाता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड द फील्ड लाइन, आउटसाइड द बार मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में होते हैं, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ऐसा आपको दिखेगा। ऐसे देखो, क्या आपको समझ आ रही है? Yes, ठीक है। तो फील्ड लाइंस आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिंस क्लोज लूप के फॉर्म में है, तो क्या इसका कोई ओरिजिनेशन या टर्मिनेशन पॉइंट कह सकते हैं क्या? जैसे कोई भी चीज अगर क्लोज लूप बना रहे हो तो ये क्लोज लूप का कोई ओरिजिनेशन या टर्मिनेशन पॉइंट है क्या? No, sir. तो एक चीज का ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट नहीं करते। ये मत बोलना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करते हैं एंड साउथ पोल पे टर्मिनेट करते हैं, ये नहीं बोलना। हाँ, अगर ऐसा बोल रहे हो आप तो ये जरूर बोलना कि आउटसाइड द मैग्नेट, ये बोलना कि आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल, बट नॉट, दिस इज नॉट अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट विच इज वैलिड एवरीवेयर, इनसाइड द मैग्नेट इट्स ऑपोजिट, ठीक है। तो ये चीज को मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, and hence they don't have any origination or termination point. Outside the magnet, field lines are directed from north to south, but inside the magnet they are directed from south to north, from south to north. Clear hai? Clear hai aapko? Yes, sir. Okay. यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो अगर आप साउथ एंड नॉर्थ की बात करते हैं तो जिनको हम पोल्स कह रहे हैं, ये पोल्स को ना हम जनरली, जैसे आपको अगर कोई बोले कि ये पोल्स क्या इंडिकेट करता है, तो पोल्स बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नेट का जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये वाला डायग्राम को ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो आपको एक चीज दिखेगा
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है बीच में. बीच में देखो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वी स्पेस दिखेगा. देखो दिख रहा है आपको? यस सर. बट जैसे ही एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, एकदम एंड की तरफ देखो, तो वहां पे फील्ड लाइंस देखो स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो रहा है. दिख रहा है आपको? स्प्रेड आउट हो रहा है. दिख रहा है? यस सर. यस सर. दिख रही है? तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ या साउथ पोल क्या इंडिकेट करता है, तो हम कहते हैं ये वो पोजीशंस है बार मैग्नेट के अंदर, ये वो पोजीशंस है बार मैग्नेट के अंदर जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम होती है फ्रॉम द एंड्स. एंड्स से आप अंदर की तरफ जाओ, एंड्स से आप अंदर की तरफ जाओ, और जहां पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम दिख रही है वही लोकेशन बेसिकली क्या आपका पोल्स का लोकेशन है. क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने? ठीक है. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं उनसे थोड़ा बेसिक डिफरेंस ये भी दिख रहा है. जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस हम कहते हैं, जब किसी को कहते हैं किसी चीज को हमने चार्ज कर रखा है, तो हम सिंपली ये मीन करते हैं कि या तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है या वहां इलेक्ट्रॉन डाल रखा है, राइट? यही तो मीन करते हैं. या आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की तरह भी अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर एक प्रोटॉन कहीं पे रखा हुआ है, प्रोटॉन इज प्लेस समवेयर, तो वो एक मटेरियल है, मतलब एक मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है. बट नॉर्थ पोल या साउथ पोल कोई फिजिक मतलब कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसको आपने रखा है कहीं पे. समझ आ रही है? ये जस्ट वो पॉइंट है बार मैग्नेट्स के अंदर एंड से जहां पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम दिख रही है. समझ आ रही है? Yes, समझ आ रही है? तो हमने यहाँ पे कोई चीज को रखा नहीं है. ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल पे कुछ रख दिया एंड साउथ पोल पे कुछ रख दिया जो फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है. आप ये ध्यान रखना कि फील्ड लाइंस क्रिएट कौन कर रहे हैं. ये एक एक इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेट्स हैं जो मिलके सब लोग मिलके फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और हमको उनका रिजल्टेंट फील्ड दिख रहा है. समझ आ रही है? आर यू गेटिंग इट? यस. तो फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल या फिर यू नो जो इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो सारे मिलके क्रिएट कर रहे हैं? इंडिविजुअल सारे मिलके कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो आपको पोल्स अगर पूछे कि पोल्स क्या इंडिकेट करते हैं, तो पोल्स आर दोज एंड्स दो लोकेशंस ऑन द बार मैग्नेट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट एट व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. सो पोल्स मतलब नॉर्थ एंड साउथ इंडिकेट द लोकेशंस इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम द एंड्स at which concentration of magnetic field lines is maximum. Magnetic field lines is maximum. And यही reason है कि हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम यू नो सेपरेट नहीं कर सकते. मतलब पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं सेपरेट कर सकते? किसी ने बोला कि मैंने इस बार मैग्नेट को बीच से तोड़ दिया. बीच से तोड़ेंगे तो राइट साइड में नॉर्थ पोल चला जाएगा, लेफ्ट साइड में साउथ पोल चला जाएगा. बोला ठीक ही तो है, क्या गड़बड़ दिख रहा है? गड़बड़ ये दिख रहा है कि आप बीच में ये इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि बीच में एटॉमिक मैग्नेट्स भी हैं. जैसे अगर सोचो कि इस बार मैग्नेट को अगर मैं बीच से तोड़ता, इमेजिन करो कि यहां से तोड़ दिया मैंने, यहां से तोड़ेंगे अगर, तो तोड़ेंगे तो एटम्स जो है जो एटॉमिक मैग्नेट्स हमने दिखा रखा है या तो वो राइट हाफ में जाएगा या तो लेफ्ट हाफ में जाएगा. हो गए नहीं? तो जो राइट हाफ में चला गया, जो लेफ्ट हाफ में रह गया, इसके अकॉर्डिंग देखो अब नया नॉर्थ साउथ नहीं जनरेट होगा क्या? हो गया नहीं होगा? अब ये सोच के देखो, यहाँ पे नॉर्थ दिखा रहे हैं आप, तो यहाँ पे साउथ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप तोड़ने के बाद यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ नहीं दिखाएंगे क्या? यस सर. समझ आ रही है? क्योंकि हेड तो याद करो कि नॉर्थ साउथ कैसे डिसाइड कर रहे थे, जो एरोस थे दिखा रहे हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट का, उसके हेड को देख के ही डिसाइड कर रहे हैं कि हेड पे ही नॉर्थ पोल है एंड जो टेल है उसका हेड का उस पे ही साउथ पोल है, तो वो तो फिर से दिख रहा है. समझ आ रही है? Yes. Yes, इसीलिए yes, जो ये जो पोल्स जिसको आप कह रहे हैं पोल्स, वो पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते. यहाँ पे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता. आइसोलेटेड चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू वो एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे आइसोलेटेड पोल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है. समझ आ रही है? यस सर. मोनोपोल्स या आइसोलेटेड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. आइसोलेटेड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस नॉर्थ एंड साउथ. ओहो क्या लिखा है, नॉर्थ एंड साउथ कैन नॉट बी सेपरेटेड टू क्रिएट मोनोपोल. ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा.
एक और चीज है, जैसे जहां पे नॉर्थ पोल होती है और जहां पे साउथ पोल होती है ना, वहां पे हम एनालॉजी ड्रॉ करके, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस से एनालॉजी ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, जहां पे नॉर्थ पोल होता है वहां पे बोलते हैं एक प्लस एम, प्लस एम मतलब स्मॉल एम लिखते हैं वहां पे, प्लस एम का पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं वहां पे एग्जिस्ट करता है। एंड जहां पे माइनस एम मतलब जहां साउथ पोल दिखाते हैं वहां पे कहते हैं एक माइनस एम का पोल स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करता है, बस उसको इलेक्ट्रिक चार्जेस से कोरिलेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस से कोरिलेट करना इसमें आसानी होगी क्योंकि आप जब जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं तो तुरंत से फिजिकली विजुअलाइज कर पाते हैं कि प्लस क्यू मतलब फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, माइनस क्यू मतलब फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है। आपको फील्ड का स्ट्रेंथ भी निकालना है तो केक्यू बाय आर स्क्वायर करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी सारी चीजें वैलिड होती है, सारी चीजें वैलिड होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जहां पे नॉर्थ पोल है वहां पे प्लस एम, एंड जहां पे साउथ पोल है वहां पे माइनस एम का एक पोल स्ट्रेंथ मानते हैं जिसको इलेक्ट्रिक चार्जेस से कोरिलेट करके किया गया है। ठीक है, तो ये चीज को मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, वी पोल स्ट्रेंथ लिख देता हूं, पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम एंड माइनस एम से इंडिकेट करेंगे। इसको डायग्राम में दिखा देता हूं मैं, तो यहाँ पे हम नॉर्थ पोल कह रहे थे और यहाँ साउथ कह रहे थे। तो जहां पे हम साउथ कह रहे हैं वहां पे आपको इमेजिन करना है माइनस एम रखा हुआ है, और जहां पे नॉर्थ पोल कह रहे थे वहां पे आपको इमेजिन करना है कि प्लस एम रखा हुआ है। ठीक है, सो पोल स्ट्रेंथ है जस्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का लोकेशन है, एंड इनके बीच में जो सेपरेशन है, जो प्लस एम एंड माइनस एम के बीच में जो सेपरेशन है, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। This is magnetic length. Magnetic length अगर देखोगे तो बार मैग्नेट के लेंथ से थोड़ा सा कम है ना? Yes, sir. दिख रही सबको? इस लेंथ को geometric length कहते हैं। जो बार मैग्नेट का लेंथ है उसको geometric length कहते हैं। ये जो LG लिख रहे हैं, LG is geometrical length of bar magnet. Geometrical length of bar magnet. एंड एल एम जो लिख रखा है दैट इज मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको ध्यान रखनी है आपको कि एल एम सॉरी एल एम और एल जी इनकी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 6/7 की है, अप्रोक्सीमेटली। ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो कितना है तो ये 6/7 का है। जो रेशियो में अगर कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, ऑलमोस्ट 84% का आता है, ऑलमोस्ट 84% का आएगा, 84% है। तो ये डेटा को जस्ट याद रखिएगा। बट अगर जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक पूछा ना जाए तब तक आप ये मान के चलना कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है। ये मान के चलेंगे कि जब तक पूछा ना जाए, पूछेंगे तो ये रेशियो 6/7 का बोल देंगे, बट अगर पूछा नहीं गया है और आपको जरूरत पड़ रही है मैग्नेटिक लेंथ की तो आप उसको ज्योमेट्रिक लेंथ के ही इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, सो अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, अंटिल एंड अनलेस आस्क्ड वी अज्यूम एल एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल जी। ठीक है, ये कैलकुलेशन करते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि प्लस एम एंड माइनस एम आर एनालॉगस टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इलेक्ट्रिक चार्जेस। एंड इसीलिए कई बार प्लस एम और माइनस एम को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक चार्जेस भी बोलते हैं। मतलब माइनॉरिटी चार्जेस बोलने का मतलब है वो प्लस एम और माइनस एम की बात कर रहा है। बट ये चीज का ध्यान रखना, बेसिक चीज है, प्लस क्यू माइनस क्यू एक फिजिकल एंटिटी है। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को डालना, वो इंडिकेट करता है। बट प्लस एम एंड माइनस एम किसी चीज को निकालने या डालने से नहीं बना है। ये ध्यान है ना आपको? ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस में करते थे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। तो वैसे यहाँ पे भी मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन हो जाएगा। तो अगर इनके बीच का सेपरेशन तो आपको दिख ही रहा है, LN है,
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हम दिखाएंगे, तो ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा. तो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट मतलब सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज m वेक्टर एंड दैट विल बी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ लिख लेंगे lm, ठीक है. एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम क्या लिखेंगे, माइनस m मतलब ये साउथ टू प्लस m मतलब नॉर्थ. तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको डायरेक्शन बतानी है, ठीक है. देखो तो आपको पोल स्ट्रेंथ का यूनिट मिल गया क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का तो यूनिट आपको पता है, करंट इनटू एरिया है या नहीं है. सो एसआई यूनिट अगर आप बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इज एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर एंड दैट बिकम्स एम्पियर मीटर. समझ आई है, क्लियर है? यस सर. कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर. ठीक है. अब जैसे जैसे आप यहाँ पे जैसे हम कोरिलेट करके कर ही रहे हैं कि नो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से कोरिलेटेड है ये, तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए आपका कूलम्स लॉ है, वैसे ही मैग्नेटिक चार्जेस के लिए भी कूलम्स लॉ है. एग्जैक्टली के क्यू बाय आर स्क्वायर की तरह ही यहाँ पे भी के एम बाय आर स्क्वायर लग जाता है, बस के का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा. वहां पे k का वैल्यू 1/4πε0 होता था, यहाँ पे ये μ0/4π आ जाएगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. तो फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, अगर मोनोपोल निकालनी है आपको, या इसको कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स. अगर एक आइसोलेटेड मोनोपोल आप इमेजिन कर सकते हैं कहीं पे, मतलब एक मोनोपोल की वजह से फील्ड निकालनी है आपको, तो यहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो एक प्लस एम है बार मैग्नेट का, एक प्लस एम पोल है और इससे आप आर डिस्टेंस पे जा रहे हो, पर यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, ठीक है. दूसरा एक और ड्रॉ कर लेते हैं माइनस एम के लिए भी. यहाँ पे मान लो माइनस एम, तो दोनों जगहों पे फील्ड आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से लिखते थे. तो यहाँ पे अगर फील्ड निकालेंगे तो ये प्लस चार्ज के लिए फील्ड आप रेडियली आउटवर्ड दिखाएंगे एंड माइनस चार्ज के लिए फील्ड आप रेडियली इनवर्ड दिखाएंगे. बट दोनों ही केस में जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो सेम ही लिखेंगे. तो बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या लिखेंगे आप, के इंटू एम एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. समझ आ रही है? Yes, ध्यान रखना है के का वैल्यू आपको म्यू नॉट बाई फोर पाई लेना है, विच इज 10⁻⁷ इन एस आई. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर. ठीक है. अभी सिंस ये एग्जैक्टली सेम लॉ है, इन एकदम सेम लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैट्स से रिलेट करता है, पूरा का पूरा सेम लॉ ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो भी रिजल्ट हैं, जैसे गॉसेस लॉ है, वो गॉसेस लॉ भी यहाँ पे यूज होगा. गॉसेस लॉ क्या कहता था कि जब हम नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सर्फेस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो नेट चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आता है. तो यहाँ पे नेट चार्ज इनक्लोज कितना होगा हमेशा, क्योंकि मोनोपोल्स देखो एग्जिस्ट नहीं करता, आपको याद है मैंने आपको बताया था ना, मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता, याद है? यस सर. तो मोनोपोल्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या कोई नेट चार्ज कभी भी इनक्लोज हो सकता है क्या? नो सर. नहीं, नो सर. तो नेट चार्ज कभी भी इनक्लोज नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी अ नेट इनक्लोज चार्ज कभी भी. और अगर नेट चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इसका मतलब नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस यहाँ पे हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, नहीं आएगा? यस सर. राइट, तो उसको गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं आप. गॉसेस लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ फील्ड के लिए ही होती है, मतलब जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फील्ड आती है उसके लिए गॉसेस लॉ यूज होता है. गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो एक चीज का ध्यान रखने के लिए, जैसे फॉर्मूला अगर बनाते हैं इक्विवेलेंट तो कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4πε0 is equivalent to यहाँ पे mu naught by 4 pi, यही है ना, equivalent है, equal नहीं बोल रहा हूँ मैं, equivalent बोल रहा हूँ, समझ आ रही है? ये electrostats में करते थे आप? Yes sir. और ये magnetism में करते हैं आप, right? तो इससे अगर आप देखोगे कि 1/ε0 is equivalent to mu naught ना, है ना?
यस सर। अब आप यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज कितना है इसको कैसे लिखेंगे, एम इनक्लोज एंड मल्टीप्लाइड विद क्या लिखते हैं, म्यू नॉट लिखते हैं। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? और ये m enclosed कितना आएगा, जीरो आएगा। m enclosed जीरो क्यों है, since monopoles do not exist, monopoles don't exist, ठीक है, so therefore net magnetic flux through any closed surface will always be necessarily zero, यही आपका Gauss's law magnetism बन गया, ठीक है, so ये चीज का ध्यान रखना है, net magnetic flux through any closed surface, किसी भी closed surface के through अगर magnetic flux पूछ रहे हैं तो कुछ check करने का जरूरत नहीं, आप sure होके बोल सकते हैं कि zero ही होएगा, net magnetic flux through any closed surface will necessarily be zero, necessarily be zero, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, वो जैसे ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लो कि एक बार मैग्नेट ऐसे ले लिया उन्होंने और यहाँ नॉर्थ पोल दिखा दिया और यहाँ साउथ पोल दिखा दिया और बोला कि ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, और बोला इस गॉसियन सरफेस के थ्रू बताओ फ्लक्स कितनी आएगी, तो आपको डायग्राम देख के क्या लग रहा है, डायग्राम देख के लग रहा है कि नॉर्थ पोल इनक्लोज है तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अब यही गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हो गया कि आपने ये नहीं सोचा कि इस एंड पे सॉरी इस एंड पे साउथ और इस एंड पे नॉर्थ भी तो एग्जिस्ट करता है ही नहीं है, yes, sir. तो इसको नेट फ्लक्स कितनी बोलोगे आप, जीरो ही तो बोलोगे ना। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना कि नेट फ्लक्स कभी नॉन जीरो भी आ सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी क्लोज सरफेस पे हमेशा ही जीरो आएगा, और इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी यू नो क्लोज लूप के बिना हो ही नहीं सकता, क्लोज लूप होगा ही होगा, तो कोई भी फील्ड लाइन को अगर आप एक से निकलते हुए दिखाते हो तो वही घूम के वापस से एंटर करेगा ही करेगा, कोई भी लाइन ऐसे सोच लो, जैसे अगर सोचो कि यहां से मैं अगर फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करता तो फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते तो कैसे ड्रॉ करते, ये सोचो ऐसा, ये सोचो हम फील्ड लाइन से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे फील्ड लाइन हमने बाहर निकलता हुआ दिखाया, अब बोल रहे सर फील्ड लाइन तो बाहर निकल रही है, हैंग कर गया शायद, स्क्रीन फ्रीज हो गया ना, यस हाँ सर स्क्रीन फ्रीज हो गया सर, यस हाँ, तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मतलब जो आसान तरीका है, जैसे पोल से भी नहीं देखे, अगर मैं यही सोचूं कि नो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में होती है, तो जो फील्ड लाइंस आपको यहाँ से नीचे से निकलती हुई दिख रही है सरफेस से, अगर आप देखोगे तो वो एंटर भी कर रही है, कहां से, ये फील्ड लाइंस तो आपका क्लोज लूप था, तो ये कुछ ऐसा ऐसा ही कुछ होता ना, होता ही नहीं, yes, sir. तो देखो ऊपर वाले पार्ट में देखो ये फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, देख रही है, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, एंटरिंग लाइंस है या नहीं है, yes, sir. दिख रही है, और तीन लाइन एंटर किया है और वो तीनों लाइन देखो यहाँ पे एग्जिट आउट भी तो कर गया है, दिख रही है, yes, sir. तो नेट फील्ड लाइंस का काउंट जो एंटर किया या एग्जिट किया वो तो जीरो ही हो गया, समझ आई, यस सर, यस सर, ठीक है, इसीलिए नेट फ्लक्स हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हैं तो ये श्योर होके कह सकते हैं कि वो हमेशा ही
जीरो आएगा, ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या करते हैं, वो एक बार मैग्नेट को क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आपसे बोलते हैं कि बताओ इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसको मैं ब्रेकिंग ऑफ बार मैग्नेट्स हेडिंग में डाल देता हूँ, ब्रेकिंग ऑफ बार मैग्नेट्स। अब इसमें अलग अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, जैसे दिस इज अ बार मैग्नेट, और इसको इमेजिन करो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे दो आइडेंटिकल हाफ में ब्रेक कर दिया है। दो आइडेंटिकल हाफ है मतलब कोई पार्ट बड़ा कोई पार्ट छोटा नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। तो एक एंड पे हमने नॉर्थ पोल दिखाया है और एक एंड पे साउथ पोल दिखाया है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल दिखा देते हैं, ठीक है। दिस लेंथ इज एल, तो अब अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछी जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, मैं पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यही होगा। अब इसको जब आपने तोड़ा तो तोड़ने के बाद जो दो हाफ बने हैं, तोड़ने के बाद के जो दो हाफ हैं आफ्टर ब्रेकिंग वाले के, आफ्टर ब्रेकिंग जो दो हाफ बन रहे हमारे पास वो कुछ ऐसे होंगे। ये एक हाफ हो गया और एक और हाफ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर हम नॉर्थ पोल दिखाते हैं तो यहाँ साउथ, फिर यहाँ नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ, यही तो दिखाएंगे हम, हो गए नहीं? यस सर। यस सर। एक एक हाफ की जो लेंथ है, एक एक हाफ की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू। अब इसका पोल स्ट्रेंथ आपको नहीं पता कितना है, पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं एम डैश हो गया, लेट्स से एम डैश हो गया, बट इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं एम डैश मानता हूँ तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी एम डैश मान सकते हैं, कैपिटल एम डैश, राइट? यस सर। और इन दोनों को जोड़ने पे मुझे ओरिजिनल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाना चाहिए ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एडअप होगा एलजेब्रिकली, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में है तो, राइट? तो क्या हम ऐसा लिख सकते थे, ट्वाइस ऑफ एम डैश विल बी इक्वल टू एम, लिख सकते थे क्या, लिख सकते थे? Yes. इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो गई है, हाफ हो गई ना, m by 2 हो गई है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट से देखो हम पोल स्ट्रेंथ का भी अंदाजा कर सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को m डैश लिख लेते हैं, तो m डैश इंटू एल बाई टू दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू एल, लिख सकते थे क्या, लिख सकते थे? तो अगर आप नोटिस करोगे तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, m ही आ गई है, मतलब पोल स्ट्रेंथ अनचेंज है ना, राइट? पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे अनचेंज है। अब दूसरा केस करते हैं, अब इमेजिन करो इस बार हम लोग दूसरे तरीके से इसको तोड़ेंगे। ये मान लो हमारा बार मैग्नेट है, इसके एक एंड पे नॉर्थ, फिर से वैसे दिखाते हैं, इस एंड पे साउथ मान लेते हैं, और इस बार क्या करेंगे हम इसको बीच से तोड़ेंगे, बट इस बार अलोंग द लेंथ तोड़ेंगे। इस बार मान लेते हैं हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, ऐसे यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, ये जो है ये प्लेन ऑफ कटिंग है, ठीक है, प्लेन जो डॉटेड लाइन दिखा रखा है दिस इज प्लेन ऑफ कटिंग, मतलब उधर से तोड़ा है, इसको पीओसी लिख दे रहे हैं। तो इस बार पीओसी हमारा इस तरफ है, पीओसी इज अलोंग द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो फिर से वैसे ही करें, अगर इसकी मैग्नेटिक इसकी लेंथ को अगर हम लोग एल दिखा रहे हैं, लेट अस से दिस लेंथ इज एल, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को अगर लिखेंगे तो लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। बट अगर इसको ब्रेक करने के बाद की बात करें, आफ्टर ब्रेकिंग अगर लिखें, आफ्टर ब्रेकिंग जो दो पार्ट बन रहे हैं उन दोनों पार्ट को आप कंसिडर करो अलग अलग, ये एक पार्ट है एंड दूसरा एक और पार्ट इसके नीचे डाल, ठीक है। अब यहाँ पे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, लेंथ तो चेंज नहीं करेगा हमारा, लेंथ चेंज किया क्या, नहीं सर,
नहीं है ना, बट एक चीज है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप इधर दिखा रहे हो m डैश है, तो इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट m डैश होगी, सिमेट्री देख के कह सकते हैं। एंड फिर से ये जरूर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ m डैश विल बी इक्वल टू m, मिलना चाहिए हमें। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट फिर से क्या हो गई, आधी हो गई, m डैश बिकम्स m बाई टू। अब पोल स्ट्रेंथ का पता करते हैं, तो इसको लिखे m डैश इंटू l एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू l। l तो कैंसिल आउट हो गई, अगर आप देखोगे तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, m बाई टू आ गई है ना, दिख रही है। Yes, sir. इस बार पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, आधी हो गई है। पिछली बार पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, पिछली बार मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो गया था, इस बार भी मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया है। तो इसे की कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हैं वो क्या है, देखो पहला चीज ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेन ऑफ कटिंग, चाहे आप कैसे भी काटो, अगर दो आइडेंटिकल हाफ में अगर आप उसको काट रहे हो तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट तो हमेशा आधा ही होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा आधा हो जाएगा। बट पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बार मैग्नेट का, वो चेंज किया नहीं किया। जैसे फर्स्ट केस में जब हमने उसको काटा तो क्या हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज किया, नहीं। बट सेकेंड केस में मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा कर दिया ना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आधा हुआ है तो उस क्रॉस सेक्शन पे सोचो जो नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स थे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहे थे, वो भी तो आधे हो गए, है ना। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? तो अगर नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहे थे वही आधे हो गए, तो ऑब्वियसली पोल स्ट्रेंथ भी तो आधा ही हो जाएगा ना। चार्जेस याद करो, चार्जेस को हम रिलेट कैसे कर रहे थे, कि वो कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहे थे, कि इतने मतलब ये फील्ड जो, अगर मैं बोलूं कि पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उससे क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा कौन क्रिएट करेगा, चार्जेस ही तो क्रिएट करेंगे, चार्जेस ज्यादा होगा तो उसके से मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा आएगा। तो अगर आपने कंसंट्रेशन, मतलब जैसे आपने काट दिया जब बार मैग्नेट को अलोंग द लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दिया, तो उस क्रॉस सेक्शन में जो नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स दिख रहे थे वही तो आधे हो गए, तो इससे ही इसी वजह से जो आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो भी आपका आधा हो गया था। इफेक्टिवली आपको ये याद रखनी है कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंडेंट है, तो अगर काटते हो और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता है तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ भी आपकी चेंज हो जाएगी, एंड पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। यस सर, ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, ध्यान रखिएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेन ऑफ कटिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेन ऑफ कटिंग, द मैग्नेटिक मोमेंट gets halved if the bar magnet is divided into two equal halves, but the pole strength is dependent upon the cross-sectional area of bar magnet. Cross-sectional area of bar magnet. Hence, if due to cutting, cross-sectional area remains unchanged, then magnetic pole strength will also remain unchanged. ठीक है, इसको ध्यान रखिए। Bending of bar magnet. जैसे मान लो यहाँ पे एक बार मैग्नेट है हमारे पास, स्ट्रेट बार मैग्नेट है, इधर से नॉर्थ साउथ दिखा रखा है, पतला बार मैग्नेट है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं L है।
तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को हमने लिख लिया, ये पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आएगी। अब क्या किया हमने, इसको बेंड कर दिया है, इस बार मैग्नेट को हमने बेंड किया और एक आर्क का शेप दे दिया कुछ ऐसा, इसको बेंड किया और ऐसा एक आर्क का शेप दिया। या साउथ एंड या नॉर्थ। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है कितना आएगा बेंड करने के बाद, जो एंगल जितने एंगल पे इसको बेंड किया है ये उसने दे रखा है हमें, ये एंगल थीटा है। बट क्या लेंथ ऑफ बार मैग्नेट चेंज हुआ है, लेंथ जो है मैग्नेट का लेंथ चेंज हुआ है क्या? नहीं, ये वाली लेंथ तो अभी भी एल ही रहेगी। बट हाँ, मैग्नेटिक लेंथ चेंज हो गई क्योंकि जो जो दो बार मैग्नेट के जो पोल्स दिखा रखे हैं वो दोनों पोल्स क्लोजर आ गए हैं। यस, दिख रही है आपको, ये देखो साउथ और नॉर्थ क्लोजर आ चुका है, तो मैग्नेटिक लेंथ जो है वो तो आपका कम हो चुका है। तो मैग्नेटिक लेंथ अगर आप निकालोगे तो ये रेडियस अगर आ रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एंगल थीटा बाई टू हो जाएगी इधर से भी और इधर से भी थीटा बाई टू हो जाएगी। तो ये लेंथ हो गई 2r into sin of theta by 2, ये आएगा ना, आएगा आएगा ये लेंथ की वैल्यू को हम लोग r into theta लिख सकते हैं। तो रेडियस भी हमें नोन ही है, रेडियस इज अ नोन क्वांटिटी। तो आफ्टर बेंडिंग अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखू, आफ्टर बेंडिंग नई मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखनी है, m m के सबसेट में थीटा लिख लेंगे, जस्ट इंडिकेट कि थीटा के फंक्शन में निकाल रहे हैं। तो दैट विल बी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या हमने चेंज किया है? पोल स्ट्रेंथ चेंज किया है क्या? नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, बार मैग्नेट कंचे हो जाए तो पोल स्ट्रेंथ रिमेंस अनचेंज्ड, बट मैग्नेटिक लेंथ आपका 2r into sin of थीटा बाय 2 हो चुका है। सो अब इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा m into 2 times of r, r is l by theta and into sin of theta by 2। m into l previous magnetic moment है, तो m लिख सकते हैं यहाँ पे, and इसके साथ फिर sin theta by 2 and divided by theta by 2, that's the answer। so previous magnetic moment अगर m था तो theta angle पे bend करने के बाद जो magnetic moment होगा that will be m sin theta by 2 divided by theta by 2, clear है? yes sir। अब जैसे ये उसने बोल दिया होता कि semi circle के shape में मैंने इसको bend कर रखा है, तो semi circle के shape में bend किया तो theta आपका pi हो जाएगा। अब थीटा अगर पाई है तो m sin पाई बाई टू बाई पाई बाई टू, तो आंसर क्या होता है? 2m बाई पाई आएगा। समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये मैंने थीटा के फंक्शन में निकाल दिया है, अब जिस भी एंगल पे वो दे उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं तुरंत से। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, जस्ट छोटा सा एप्लीकेशन देखो। इमेजिन करो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है एंड इसके सेंटर पे एक हाइपोथेटिकल मोनोपोल रखा है प्लस एम मान लेते हैं एंड दिस इज एट अ रेडियस ऑफ आर। क्वेश्चन कह रहा हूं अ हाइपोथेटिकल मोनोपोल, मोनोपोल प्लस एम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप एज शोन, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, नेट मैग्नेटिक फील्ड at center of loop, center of loop में कितनी magnetic field create हो रही है ये आपको find out करना है। oh sorry क्या लिख रहा हूँ मैं, four मैं एक मिनट गलत लिखा, question गलत लिखा, find the net magnetic force लिखना है, net magnetic force on loop लिखना, net magnetic force on loop कितनी आएगी आपको calculate करने के लिए। अब कैसे करें,
अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये प्लस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा. यस सर. ठीक है, सो देखो ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस हम दिखा रहे हैं, ये प्लस एम से निकाला है. बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए करते हो, बिल्कुल वैसे ही करना है. ठीक है, अब इसके सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो आपको पता है, के एम बाय आर स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं. राइट राइट. यस सर. और करंट एलिमेंट जो यहाँ पे सर्कमफेरेंस में देखो वो अलोंग द टेंजेंट आईडीएल, आईडीएल और बी के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो 90 है. आईडीएल क्रॉस बी करो, देखो बाहर की तरफ आएगा. दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर. यस सर. इसमें अगर आप आइडियल क्रॉस बी का डायरेक्शन चेक करोगे तो वो आउटवर्ड आ रहा होगा. ये आउटवर्ड है, दिस इज डीएफ. सिमिलर तरीके से किसी और पॉइंट पे एक बार चेक करके देखते हैं. जैसे यहाँ पे देखते हैं राइट वाले पॉइंट पे, यहाँ पे भी फील्ड बाहर की तरफ है एंड करंट एलिमेंट जो आइडियल है वो नीचे की तरफ है. फिर से आइडियल क्रॉस बी करके देखो, देखो बाहर की तरफ आएगा. चेक करो. यस सर. ठीक है, सो डीएफ फिर से बाहर हो गया. तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इस पूरे सर्कमफेरेंस में कहीं पे भी एलिमेंट हम ले लें तो सारे एलिमेंट के लिए आईडीएल और बी के बीच का एंगल 90 है. ये समझ आ रहा है? यस सर. और सारे एलिमेंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो बाहर ही है. तो अगर सारे एलिमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन बाहर है तो डीएफ वेक्टर को अगर लिखे तो ये आईडीएल इनटू बी आउटवर्ड लिख सकते हैं. राइट. अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो करंट भी फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है, बस आपका लेंथ जो है वो आपको इंटीग्रेट करना है. यही तो है ना? तो अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, एफ कैलकुलेट करनी है, तो उसको क्या लिखना है आपको? आई बी, ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन डीएल ओवर द लूप होगा. पूरे लूप पे आपको इंटीग्रेशन कर लेनी है. यही तो है ना? समझ आ रही है आपको? एंड ओवर द लूप अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 2 पाई आर मिलेगी. yes, हो गया. दिस इज द आंसर. बस आप बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा आई. एन बी की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये के हो गया, इनटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. समझ आया? के एम बाई आर स्क्वायर समझ आ रही है? यस सर. एंड इनटू 2 पाई इनटू कैपलर, दिस इज आउटवर्ड्स. अब यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखें एक बार. ये 2 पाई, ये 4 पाई का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगी. जो वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर into m. ये आ रही है क्या? देखो तो आ रही है. yes, sir. आ रही है? आ रही है? yes, sir. yes, sir. अब ये इस एक्सप्रेशन को देख के देखो एक चीज पता चल रहा है. करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं लूप की वजह से, तो वो एक्सप्रेशन कितना होता? म्यू नॉट आई बाई 2 आर. Yes, sir. Yes, sir. And ये mu not I by 2R field है और वहां पे एक plus m का charge रखा हुआ है. तो जैसे charge Q को अगर electric field में रखा जाए तो उसके ऊपर force कितना लगता था? QE. तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप plus m को रखा है आपने field B में तो उस पर force कितना लगेगा? m into B. समझ आ रही है? Yes, sir. तो देखो इसमें चेक करो, इस लूप की वजह से अगर मैं बोलूं कि फील्ड सेंटर पे कितनी है तो क्या बोलते हैं आप? अंदर की तरफ B है बोलते हैं आप mu not I by 2R. समझ आ रही है? और उसमें वहां पे प्लस एम का पोल रखा हुआ है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा? अंदर की तरफ एम इनटू बी. समझ आ रही है? अब ये देखो इसका मतलब इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड हो रहा है ना, क्योंकि लूप ने पोल पे जितना अप्लाई किया फोर्स और पोल ने जितना लूप पे अप्लाई किया है वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट आ गया. नहीं आ गया? आया ना? यस. समझ आ रही है? तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ भी वैलिड है, मतलब अगर उल्टा भी करते तो भी आपका आंसर सही आ जाता. समझ के करते हैं नहीं समझ करते तो करते हैं वो तो अलग बात है, बट आपको याद है कि मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स में हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड होगा, ये जरूरी नहीं है, आपको हमेशा चेक करना पड़ता है. याद है आपको? yes, sir. ठीक है, yes, इसीलिए हम उल्टा नहीं किया पहले, हमने ये क्रॉस चेक कर लिया है, अब हम याद रख सकते हैं कि इसमें उल्टा भी कर सकते थे. ठीक है? yes, sir. Yes, sir. And therefore, force on loop is equal and opposite to
force on मोनोपोल. ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक और चीज बताई वो चीज का भी ध्यान रखेंगे. क्या दिखाया आपको? इफ पोल स्ट्रेंथ, पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, then force experienced by it, is F की वैल्यू लिखनी है तो M into B वेक्टर लिखेंगे. ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए करते थे. मैं डायग्राम ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. तो यहाँ पे अगर किसी ने दिखा रखा है ये प्लस M है, तो प्लस एम है मतलब फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स हो जाएगा आपका एम इनटू बी. और अगर यही माइनस एम रखा होता हमने तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते. ये माइनस एम, तो बी आपका राइट की तरफ है तो फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ लगेगा. दिस फोर्स विल बी एम इनटू बी. समझ आ रही है आपको? क्लियर है ना सभी को? यस सर. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैच कर जाएगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो रिजल्ट था सारा यहाँ पे मैच करेगा क्योंकि एक्सप्रेशन भी सारे सेम ही है. तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने तीन केसेस करके किए थे, एक्सियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट एंड जनरल पॉइंट, तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे. केस वन इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पोजीशंस. इसको जब आप ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा दिखाएंगे आप, जैसे एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ या साउथ दिखा रहे हैं एंड इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पूछ रखा है तो हम लोग बार मैग्नेट का लेंथ को कन्वीनियंस के लिए 2L मान लेते हैं क्योंकि सेंटर से एक तरफ से L और दूसरी तरफ से L चूज कर पाएंगे. तो ये L और ये भी L है, तो नॉर्थ पोल के साथ जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया R माइनस L. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल दिखाओगे तो रेडियली अवे दिखाओगे क्योंकि प्लस चार्ज है वो, एंड वो नॉर्थ पोल क्लोजर है, साउथ पोल दूर है तो उसकी फील्ड वीकर होगी, तो ये B ड्यू टू साउथ दिखाएंगे. इसका रिजल्टेंट अगर फील्ड निकालोगे तो किधर आएगा? राइट की तरफ ही तो आएगा, दैट विल बी B नॉर्थ माइनस B साउथ, ये आएगा. इसको हम लोग क्या करेंगे? B पैरेलल बोलेंगे. ठीक है, B पैरेलल, जैसे वहां पे E पैरेलल बोलते थे वैसे यहाँ पे भी B पैरेलल बोल रहे हैं. रीजन बीइंग क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ ही है और जो हमने पॉइंट चूज किया है वो इस M के अलोंग ही चूज किया है. सो देयरफॉर B पैरेलल अगर निकालनी है हमें तो B नॉर्थ मतलब K into M divided by R minus L का स्क्वायर माइनस ऑफ K M divided by R plus L का स्क्वायर. अब यहां से इसको रीअरेंज करें तो K M को कॉमन आउट कर लिया, R plus L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा. इसी को रीअरेंज करें तो इससे ले सकते हैं 2K into M into 2L and डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर हो जाना है. M into 2L तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो ये हो गया 2K into M and डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. देखो रिजल्ट मैच कर रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, एक आर छूट गया. So this is the net magnetic field. और अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक्चुअल पोजीशन पे वो दोनों सेम है, तो M के ऊपर आप वेक्टर लगा के कैलकुलेशन को छोड़ सकते हैं वहां पे. ये इलेक्ट्रिक डायपोल से बिल्कुल रिजल्ट मैच कर रहा है. अब इसी में एक स्पेशल केस कर सकते हैं कि अगर आप मान लेते शॉर्ट डायपोल है
तो शार्ट डाइपोल होगा मतलब शॉर्ट बार मैग्नेट होगा, तो उसके इसमें लेंथ जो होगा बार मैग्नेट का वो आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा, तो लेंथ को निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2KM/R³। आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes. Short magnets मतलब कि length L बहुत छोटा होगा R के comparison में, so therefore B parallel की value को approximately 2K into M and divided by R³ लिखे जा सकती है, ठीक है? ये आपका generalized expression हो गया जो आपका electric dipole से match करता है। Electric dipole का result याद है तो ये भी result याद है, क्योंकि same चीज है, बस P को आपको replace करना है M से, सारा result match कर जाएगा। बस वहां पे k का वैल्यू 1/4πε₀ है, यहां पे क्या का वैल्यू μ₀/4π है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये हो गया एक्चुअल पोजीशन, अभी हम इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। इक्विटोरियल पोजीशन, सो फिर से यहां पे ये नॉर्थ और यहां साउथ, इधर साउथ से ये डिस्टेंस को एल मान लिया फिर से, एंड नॉर्थ के साथ भी ये डिस्टेंस को एल मान लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है, और इस पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए। इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से आर दिया हुआ है, बिल्कुल पहले बार की तरह, और हमें अब फील्ड को कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कर रहे हैं पहले वैसे ही करें, पहले इनको कनेक्ट कर लेते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल से कनेक्ट कर लें। नॉर्थ पोल के लिए फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, साउथ पोल के लिए जो फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। तो नॉर्थ पोल का फील्ड देखो, दिखा रहे हैं, ये है बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, एंड साउथ पोल का फील्ड दिखा रहे हैं, दिस इज बी ड्यू टू साउथ पोल। दोनों का फील्ड का एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, पोजिशन भी सेम है मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो पक्का है मैग्नेटिक मोमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अगर लेफ्ट से राइट है, आप चेक करो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, और जो फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो उल्टे तरफ आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो इस तरफ का जो नेट फील्ड आया इसको बी परपेंडिकुलर कह रहे थे, एंड दैट विल बी ट्वाइस ऑफ बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, एंड इसका कॉस थीटा जाएगा। बस अब इसकी एक्सप्रेशन को निकाल लेना है, सो बी ड्यू टू द बार मैग्नेट विल बी ट्वाइस ऑफ बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब के इनटू एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, उसका स्क्वायर क्या है तो रूट हट जाएगा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू इज एल बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो देयरफॉर दिस बी परपेंडिकुलर बिकम्स के इनटू एम वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, बट अगर शॉर्ट मैग्नेट दिया हुआ है तो वापस से वो अप्रोक्सीमेशन यूज होगा फॉर शॉर्ट मैग्नेट्स। एल का वैल्यू बहुत छोटा होगा आर से, एंड देयरफॉर बी परपेंडिकुलर की वैल्यू को, अच्छा डायरेक्शन उल्टा है ना इसलिए एक नेगेटिव लगाएंगे, बी परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी के इनटू माइनस ऑफ एम वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय R³ लिखेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं तो आप इसको लिखोगे तो लिखोगे के एम डिवाइडेड बाय R³, ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीज देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच कर रहा है अपना, इलेक्ट्रिक डाइपोल से सब कुछ मैच करेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब जनरल पॉइंट पे कर लेते हैं, K³ जो अपना जनरल पॉइंट है, K³ इज at a general position for a short magnet, general position for short magnet, अब ये मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेट है, इस एंड पे साउथ, इस एंड पे नॉर्थ दे रखा है, और इसके सेंटर से काफी दूर पे यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है
this distance is r. And बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ ये एंगल थीटा भी दे रखा है और पूछा है वहां पे फील्ड कितनी आएगी. तो जो अप्रोच वहां लिया था सेम लॉजिक यहाँ पे भी करेंगे. पहले मैग्नेटिक मूवमेंट के कॉम्पोनेंट ब्रेक करेंगे. मैग्नेटिक मूवमेंट को हम एम मान रहे हैं तो इस एम के दो कॉम्पोनेंट आप ब्रेक कर सकते हो. एक एम अलोंग द लाइन, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, एक उसके लाइन पे ले लेंगे. तो ये हो जाएगा आपका एम कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन पे, तो ये हो जाएगा आपका एम साइन थीटा. एम कॉस थीटा वाले पॉइंट डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट एक्चुअल पॉइंट है तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा. सो दिस विल बी बी पैरेलल. एंड बी पैरेलल की एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे तो आएगा 2 इनटू के इनटू एम कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब. फिर एम साइन थीटा वाले डायपोल के लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बी परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो ये बी परपेंडिकुलर एक्सप्रेशन होगी के इंटू एम साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाना है. एंड उसके बाद फिर इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे. तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लो गया तो कुछ ऐसा दिखना है. दिस इज द नेट बी बी नेट. एंड ये बी नेट अगर अल्फा एंगल पे आप मार्क कर रहे हो, अल्फा विथ बी पैरेलल, नेट अगर मैग्नेटिक मोमेंट से देखोगे तो फिर थीटा प्लस अल्फा पे आएगा. तो अगर नेट फील्ड चाहिए तो रूट अंडर बी पैरेलल का स्क्वायर एंड प्लस बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लेंगे और इससे जो एक्सप्रेशन मिलेगी के एम बाई आर क्यूब, इसको कॉमन आउट कर सकते हैं एंड रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. एंड टेन अल्फा की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो टेन अल्फा इज बी परपेंडिकुलर बाई बी पैरेलल एंड दैट बिकम्स हाफ ऑफ टेन थीटा. सारे रिजल्ट मैच कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. मैच कर रहे हैं ना सारे रिजल्ट? Yes, sir. कितने एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट होती है, याद है आपको? टैन इनवर्स रूट टू प्लस माइनस टैन इनवर्स रूट टू. तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है? सेम चीज यहाँ पे भी होगा. तो ये चीज को मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन वहाँ पे किया था, आप एक बार देख लेना, ठीक है? एट एंगुलर पोजिशन theta equal to plus minus tan inverse root 2. The field due to bar magnet is perpendicular to the magnetic moment itself. Magnetic moment itself. ठीक है, इसको मैं जैसे एक छोटा सा डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. ये हमारा बार मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ दिखा देते हैं यहाँ पे और इससे टैन इनवर्स रूट टू पे दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. एंड ये मार्क कर देते हैं, ये थीटा, ये भी थीटा. थीटा इज टैन इनवर्स रूट टू. तो ये फील आपको बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट से आपको परपेंडिकुलर दिखेगा, मैग्नेटिक फील. और जैसे जैसे बार मैग्नेट से दूर जाते जाओगे तो फील्ड वीक होता जाएगा, तो एरो का लेंथ को छोटा करते चले जाएंगे. एरो का लेंथ का छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फील्ड दूर की तरफ कम होगा एंड पास की तरफ ज्यादा होगा. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. समझ आ रही है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान रखना मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमारा किस तरफ है. मैग्नेटिक मोमेंट हॉरिजॉन्टल है एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका वर्टिकल होगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल, मैग्नेटिक मोमेंट हॉरिजॉन्टल, तभी तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. क्लियर है? यस सर. अब इस पे बेस करके आपके एप्लीकेशंस हो सकते हैं फील्ड कैलकुलेशन के. जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये
ये एक मैग्नेट है मान लेते हैं, इसका साउथ और नॉर्थ ये मार्क है। आपको मार्किंग दिख रही है, छोटा है मुझे लग रहा है। मार्किंग दिख रही है आपको? यस सर। आर यू एबल टू सी द मार्किंग? यस सर। यस सर। ये साउथ नॉर्थ की मार्किंग है, ठीक है? ओके, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, मान लेते हैं या थीटा 60 डिग्री का है। लेट अस से दिस इज 60 डिग्री एंड इसको बाइसेक्ट करता हूं, एक लाइन ले लेते हैं एंड ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री है एंड यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इधर से r डिस्टेंस पे है। एंड आपको पूछा गया है इसको पॉइंट ए कह लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए ये कितनी आएगी आपको पूछी गई है। गिवन क्या है? बार मैग्नेट्स आर शॉर्ट, बार मैग्नेट्स आर शॉर्ट एंड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम ईच, मैग्नेटिक मोमेंट एम ईच, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट एम है और आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सिंस बार मैग्नेट एक ही जगह पे रखे हुए हैं, मैं इनका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना, क्या हम इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? यस सर। ये चेक करो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम दिखाया हमने, ठीक है, साउथ से नॉर्थ, बट दूसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, ये इधर हो जाएगा ना, देखो तो देख रही है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितनी हो गई है 120 हुई। यस सर। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर पे होगा, हो गया नहीं? यस सर। Yes, तो ये देखो, ये इनका बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो ये इधर आ गया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई है, कितनी आ गई है, ये एंगल इधर से m आ जाएगा, 2m into cos 60 which is m, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब इस सेटअप में दो मैग्नेट का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको अब मैंने रिड्यूस कर दिया एक सिंगल बार मैग्नेट का क्वेश्चन है ना, राइट? यस सर। और इस सिंगल बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो जो पॉइंट दिया हुआ है वो कहां पे दिया हुआ है, इस सिंगल बार मैग्नेट के रेस्पेक्ट में जो गिवन पॉइंट है वो कहां पे है? देखो ये है ना पॉइंट ए, है या नहीं है? अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये गिवन पॉइंट जो है वो इस नेट मैग्नेटिक मोमेंट वाला बार मैग्नेट के रेस्पेक्ट में इक्विटोरियल पोजिशन पे है, देखो दिख रही है आपको? यस सर। सबको समझ आ रही है? Yes, sir. ये वाली एंगल देखो 90 है, ये वाली एंगल देखो 90 है, तो अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा ना? Yes, sir. क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन है, तो ये बी एट पॉइंट ए हो गई है एंड बी एट पॉइंट ए अगर मैग्नीट्यूड में लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, के इंटू एम नेट एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब एंड एम नेट तो एम ही है तो यहाँ पे के एम एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा, हो गया ये मैग्नीट्यूड निकल गया। हाँ, अब अगर वो डायरेक्शन वगैरह भी चाहिए या कंपोनेंट के फॉर्म में चाहिए तो हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये चेक करो, ये तो इसके साथ 90 डिग्री पे है एंड ये एंगल आपका 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया ना, हो गया हुआ? Yes, sir. तो अब आराम से कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना होता, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप, बी ए into cos of 60 with a minus i cap and plus ba into sin of 60 with a plus j cap, ye ho gaya answer, samajh aayi? Yes sir. theek hai, to is tarah ke question mein sabse pehla target aapka kya hoga ki net magnetic moment pehle calculate kar le aur net magnetic moment calculate karne ke baad ye check karenge ki wo jo net magnetic moment aaya hai uske respect mein wo point jo de rakha hai jis pe field calculate karni hai wo axial position hai ya equatorial position hai, और अगर एक्चुअल इक्विटोरियल पता चल गया तो अकॉर्डिंगली फील्ड हम तुरंत कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है?
Yes, sir. इसका एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है. अब इमेजिन करो अगर ऐसा सिचुएशन है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के मान लो चारों वर्टेक्स पे हमने चार मैग्नेट्स प्लेस कर रखे हैं. ये मान लेते हैं ये साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये ऐसा दिया हुआ है. ठीक है. एंड क्वेश्चन इज कि शॉर्ट बार मैग्नेट्स हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम ईच आर प्लेस्ड at vertices of a square, vertices of a square of side length L. आपको field at center calculate करनी है. Field at center ये कितनी आएगी आपको निकालनी है. अब इस बार का question का approach हमारा पिछले बार का question का approach नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार जो magnet थे वो एक ही जगह पे रखे हुए थे, but इस बार क्या magnet एक ही जगह पे रखे हुए हैं? नहीं सर. इस बार क्या मैग्नेट एक ही जगह पे रखे हुए हैं? नहीं. तो इस बार वो अप्रोच काम नहीं आएगा जो पिछली बार का था. तो इस बार क्या करना है, इस बार आपको करना है इंडिविजुअल बार मैग्नेट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का अकॉर्डिंग आप क्या करो, फील्ड का जस्ट डायरेक्शन मार्क करते चले जाओ कि किस डायरेक्शन में किस बार मैग्नेट का फील्ड होगा. ठीक है, बस वो चेक करेंगे हम. देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले सेंटर चाहिए मुझे, तो सेंटर को पहले मार्क करेंगे. ये सेंटर मिल गया मुझे. अब मैं इंडिविजुअल बार मैग्नेट्स का एक एक करके मैग्नेटिक मूवमेंट का बस डायरेक्शन दिखाता हूँ पहले. ठीक है, तो पहले साउथ नॉर्थ, ये एम का डायरेक्शन है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन फॉर एम. इसको एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं, ये फर्स्ट बार मैग्नेट हमारे, दिस इज फर्स्ट. फिर साउथ से नॉर्थ इधर भी, ये हमारा सेकेंड बार मैग्नेट है. फिर साउथ से नॉर्थ, ये हमारा थर्ड मैग्नेट है. एंड फिर साउथ से नॉर्थ, ये हमारा फोर्थ मैग्नेट है. ठीक है, अब M का जो आप डायरेक्शन शो कर रखे हो, आप इस M का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग M का दो कंपोनेंट ब्रेक करो, एक अलोंग द लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन, जैसे फील्ड निकालने के लिए जो कर रहे थे हम. तो देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ. देखो एक होगा ये M by root 2 और इधर भी जो आएगा दैट विल अगेन बी M by root 2 क्योंकि एंगल 45 डिग्री है. अब इसके अकॉर्डिंग ये जो दो M by root 2 हमने दिखा रखा है, एक देखो एक M by root 2 के लिए एक्चुअल पोजिशन है और दूसरा m by root 2 के लिए वो इक्विटोरियल पोजीशन है. तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस मार्क करो. तो इसको दिखा रहे हैं, देखो दिस इज b1 पैरेलल एंड इधर दिखा रहे हैं, देखो दिस इज b1 परपेंडिकुलर. क्या आपको समझ आया? देखो तुम yes, समझ आया? यस सर. एक एक्सियल, एक इक्विटोरियल. एक्सियल के लिए सेम डायरेक्शन में, इक्विटोरियल के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये मैंने मार्क कर लिया. अब दूसरे बार मैग्नेट पे आते हैं. ठीक है, सेकंड वाला. तो सेकेंड वाले के लिए भी वैसे ही कंपोनेंट्स ब्रेक करें, एक m by root 2, दूसरा भी m by root 2 आएगा. अब एक के लिए एक्सियल और दूसरे के लिए इक्विटोरियल. तो ये देखो ये एक्सियल दिखा रहे हैं, दिस इज b2 का पैरेलल कंपोनेंट एंड इधर आएगा दिस इज b2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, क्लियर है? यस सर. ठीक है ना, समझ आ रही सभी को? Yes, sir. अब तीसरे वाले के लिए करते हैं ये काम. तीसरे वाले के लिए करें, अगेन दिस इज m by root 2. डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से साउथ से नॉर्थ की तरफ ही है. ठीक है, तो प्रोजेक्शन मतलब लेते वक्त भी वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको. दिस विल आल्सो बी m by root 2 एंड फिर से डायरेक्शन मार्क करें. तो थर्ड वाले के लिए लिख रहे हैं, एक्चुअल पोजिशन के लिए दिस विल बी b3 पैरेलल एंड इक्विटोरियल के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में. So this will be B3 perpendicular. अब fourth के लिए, fourth bar magnet के लिए again दो component break किया and उसके according अब axial equatorial. This is B4 parallel and this is B4 perpendicular. दिख रही है आपको? सबको दिखी? Yes sir.
ठीक है? यस सर। ओके, अब बस आप ये चेक कर लो कि कौन कौन सा सेम डायरेक्शन में, कौन कौन सा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो जो सेम डायरेक्शन में वो सारे एडअप होंगे, जो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो कैंसिल होंगे। बट पैरेलल एंड पैरेलल कैंसिल हो सकता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कैंसिल नहीं हो सकता है। मतलब मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर क्यों नहीं कैंसिल करेगा उसकी बात करें, तो पैरेलल वाले के लिए जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2k into m by root 2 divided by distance का क्यूब। जब परपेंडिकुलर वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k into m by root 2 by distance का क्यूब, ये लिखेंगे ना। समझ आ रही है? तो एक 2 का फैक्टर का तो डिफरेंस है ना, इसलिए वो लोग पूरा नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो आप, यहाँ पे ये चेक करो। देखो b1 parallel एंड b3 parallel, देखो कैंसल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है? यस सर। ओके, b1 perpendicular एंड b3 perpendicular, देखो कैंसल हो रहा है क्या? यस सर। देख रही है? मतलब जो फर्स्ट बार मैग्नेट है और जो थर्ड बार मैग्नेट है, उन दोनों ने एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर दिया ना। फर्स्ट बार मैग्नेट एंड थर्ड बार मैग्नेट, इन दोनों ने एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर दिया। ये समझ आ रही है? यस सर। अब एक बार डायग्राम देखो, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखो उल्टा है, दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का देखो, देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा है या नहीं? यस सर। इसी वजह से दोनों की फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया है। ठीक है, अब इस लॉजिक से अगर 2 and 4 को देखोगे, 2 and 4 को देखो, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखो एक ही है ना। Yes, तो अगर एक का जो होता दूसरे का क्या होता, सेम मिलेगा, सेम डायरेक्शन में भी मिलेगा, राइट? तो डबल हो जाएगा ना, एक का निकाल के डबल कर सकते थे। देखो वो ही दिखेगा, देखो देखो b2 parallel और b4 parallel देखो सेम डायरेक्शन में, दिख रही है आपको? एंड b2 perpendicular और b4 perpendicular भी सेम डायरेक्शन में, दिख रही है? देखिए, तो बस एक का निकाल के बस डबल ही करना था, तो एक का ही बस निकालते और फिर डबल कर लेते। तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हैं कि अगर डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स पे अगर आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आपने रखे हुए हैं और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आपका 0 मिल जाएगा। और अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो फिर एक का जो होगा वो दूसरे का मतलब भी सेम होगा, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका डबल आ जाएगा। समझ आइए आपको? यस सर। ठीक है, सो जो लर्निंग यहाँ पे हो रही है हमारी, तो लर्निंग ये है, इफ टू बार मैग्नेट्स ऑफ सेम मैग्नेटिक मोमेंट आर प्लेस्ड एट डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स with magnetic moment anti-parallel, then field due to combination at center is 0. Therefore, if they are parallel, the field will be double of 1. The net field at center will be double due to 1. ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप लिखोगे, सो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा B net, ये निकालने के लिए आपको क्या करना था? देखो b2 parallel और b4 parallel वो तो ऐड अप हो जाएगा, तो उसको हम दिखा सकते हैं, इसका कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आई है twice of b2 parallel एंड इस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन में तो ना यही है twice of b2 perpendicular एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
this is d net. So d net becomes twice of b2, and that will be twice of root under b2 parallel ka square and plus b2 perpendicular ka square, and that becomes twice of root under parallel ke liye likhenge to 2k into m by root 2 divided by distance ka cube. Distance is l by root 2 kyunki half of diagonal lena hai cube plus sorry h ka square karna hai, and this will be k into m by root 2 and divided by l by root 2 ka cube and iska bhi square karna hai. So 2 times of k m by root 2 divided by l by root 2 ka cube common out kar liya, and root ke andar bach raha hai 3 ka square, 2 ka square 4, 4 plus 1 5, to root 5 bachega. So yahan se isko aap aise le sakte hain, this is root 2 to kat jayega, ek 2 upar chala jayega to ho jayega 4 root 5 into km by l cube. ये आंसर हो जाएगा. समझ आई है सभी को? Yes sir. समझ आई है? Yes sir. ठीक है. एक आप ट्राई करो तो देखो कितनी आ रही है. ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये भी नॉर्थ. इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 m है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m2 ये 4m by 5 है. So 4m by 3 लिख लेते हैं, 4m by 3 है. और आपको मैग्नेटिक फील्ड एट ए कैलकुलेट करनी है, बी एट ए कितनी आएगी. साइड लेंथ आपसे स्क्वायर का एल मान के चलो. देखो कितनी आ रही, जल्दी करो, छोटा सा क्वेश्चन है. बस ये देखना आपको एक्चुअल पोजीशन है या इक्वेटोरियल पोजीशन है, एंड इसके अकॉर्डिंग बस डायरेक्शन मार्क करके फिर रिजल्टेंट ले लेना है. इतना टाइम लग रहा है सर, 2√2 km by l cube. ओके चेक करते हैं. नहीं 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 होगा सर, क्योंकि दोनों का m अलग है. सॉरी, पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट m1 सर 10 by 3 m. देख ची दैट का चेक कर m, क्या m निकालना है तुमको? क्या 10 by 3 m क्या बोल रहे हो? तुमको तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 10 m by 3 क्या बोल रहे हो? ओ सर ना ना, मैं ठीक है सर. दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमने मार्क कर लिया. अब अगर दोनों को देखें तो दोनों के लिए एक्चुअल पोजीशन है, तो दोनों के लिए एक्चुअल पोजीशन है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन में फील्ड होगी. सो ये हमने बी वन दिखाया और ये हमने बी टू दिखाया. पक्का है बी टू आपका बड़ा होगा क्योंकि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे तो अकॉर्डिंगली अब आपको मिल जानी है. इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या इतना काम कर रहे हो पता नहीं. सो बी वन की वैल्यू आपको पता है, बी वन कितनी होगी? 2k into m divided by distance का cube, मतलब l cube हो जाएगा. और b2 निकालेंगे तो that will be 2k into 4m by 3 and distance का cube हो जाएगा.
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फोर थर्ड ऑफ बी वन ही है, बी टू का वैल्यू फोर थर्ड ऑफ बी वन है, दिख रहा है आपको, दिख रही है? Yes, sir. तो अब अगर नेट फील्ड अगर ए पे निकालनी है तो क्या करेंगे आप, रूट अंडर बी वन का स्क्वायर एन प्लस बी टू का स्क्वायर, तो बी वन को कॉमन आउट कर लें क्योंकि बी टू तो फोर थर्ड ऑफ बी वन है, तो हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस फोर थर्ड का स्क्वायर, तो ये हो गया फाइव बाई थ्री टाइम्स ऑफ बी वन हो गई है, तो ये हो गई फाइव बाई थ्री टाइम्स ऑफ टू के एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब एंड दैट बिकम्स टेन के एम बाई थ्री टाइम्स ऑफ एल क्यूब, हो गया, ठीक है, समझ आई सभी को? यस सर, यस सर, ठीक है। एक और काम आप कर सकते थे, मतलब ये स्क्वायर करके ऐड करने वाला काम नहीं करके, जैसे अगर आपको ये पता चल गया कि b2 की वैल्यू फोर थर्ड ऑफ b1 है, तो ये एंगल को अगर मैं थीटा मार्क करता, देखो तो tan थीटा की वैल्यू क्या हम लिख सकते थे, ये b1 by b2 होगा, लिख सकते थे? Yes, sir. और b1 by b2 करने पे ये 3 by 4 आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है? Yes, sir. इसका मतलब थीटा कितनी हो गई है, 37? और अगर थीटा 37 हो गई है तो देखो तो आप कॉस थीटा या साइन थीटा यूज कर लो, आप साइन थीटा की वैल्यू अगर आप यूज करोगे तो बी ए का साइन थीटा साइन 37 क्या यही हमारा बी वन होता, बी वन होता ना? यस सर। तो बी ए कितना आया, देखो तो बी ए आ गया 5 बाय 3 टाइम्स ऑफ बी वन, देखो मैच किया क्या, यस सर, दिख रही है आपको, यस सर, दिख रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो आसान लगे वैसे करवाएंगे तो सीखो। चलो ये भी, ये तो हो गया हमारा, अभी आगे बढ़ते हैं। बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे वो सारे रिजल्ट्स यूज हो जाएंगे जो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, एकदम सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मैच करेंगे, तो इसलिए हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, इनको मैं जल्दी जल्दी एनालॉगी पे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे रिजल्ट डिराइव किए हुए हैं, यहाँ पे फिर से डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सिचुएशन ऐसा होगा कि जैसे एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के एक एंड को नॉर्थ पोल और दूसरे एंड को साउथ पोल दिखा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल पे अगर हम फोर्स दिखाएं तो फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, और इस फोर्स को अगर आप दिखाओगे तो कितनी लिखोगे, एम इंटू बी, और साउथ पोल पे अगर दिखाओगे तो ऑपोजिट टू फील्ड होगा, तो ये होगा एम इंटू बी, ये एंगल थीटा कुछ भी हो, नेट फोर्स कितना लिखोगे आप, नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा, होगा ना? यस यस सर, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, एंड अगर टॉर्क कैलकुलेट करोगे, टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो टॉर्क तो आ ही रही है, इस तरफ टॉर्क है ही, ये टॉर्क की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर आप दिखा सकते हो यहाँ पे, लेंथ को अगर हम एल मान रहे हैं तो ये लेंथ अगर एल थी तो यहाँ पे एल साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये लेंथ को एल माना, ये लेंथ को एल माना है, तो अभी टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी, एम बी फोर्स है एंड इसके साथ आपने एल साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, अब एम इंटू एल ये हो गया डाइपोल मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये b into sin theta, तो ये हो गया capital M, आप लिख सकते हैं इसको capital M into b into sin theta, अब result तो match कर ही रहा है, so net torque की value कितनी हो गई है, m cross b, ठीक है ना? Yes sir. ठीक है, वहाँ पे p cross e, यहाँ पे क्या है, m cross b, so ये thus ये situation जो है, this situation is analogous to the situation of electric dipole placed in a uniform electric field. Screen freeze ho gaya sir. Oh ho. So jaise main keh raha tha ki the situation is in analogous to the situation of electric dipole placed in a uniform electric field.
electric field. And hence, all results derived there will be used here. जैसे क्या क्या हमने डिराइव किया था याद है आपको? वर्क डन टू चेंज ओरिएंटेशन याद है आपको? वर्क डन टू चेंज ओरिएंटेशन ऑफ बार मैग्नेट अब हो जाएगा. डाइपोल वहां पे लिख रहे थे, यहाँ पे बार मैग्नेट लिख रहे हैं. तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखेंगे, दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस ऑफ थीटा टू माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ थीटा वन. याद है आपको P cos theta था वहाँ पे माइनस के साथ. Yes, sir. सेम लॉजिक से आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी लिखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इसको U लिखे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है ना, याद है आपको? इसको माइनस ऑफ एम डॉट बी भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपको अगर याद हो तो पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमने डिफाइन किया था. एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री. याद है आपको? यस सर. हां सर. पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ये है आपका 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम है. स्टेबल. एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये आपका क्या होगा? मिनिमम होगा, राइट? ये होगा माइनस ऑफ एम बी. एंड टॉर्क की वैल्यू अगर निकालोगे तो जीरो आएगी. 180 डिग्री इज अनस्टेबल. ये सब वहां पे टेबल के फॉर्म में बनाया था. यहाँ पे टेबल फिर से नहीं बना रहा हूँ, ये जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ. एंड यहाँ पे भी टॉर्क आपके जीरो है. एंड 90 डिग्री की अगर बात करें तो वो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, है ना? दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क मैक्सिमम है. टॉर्क आपकी मैक्सिमम आएगी एंड दैट विल बी एम बी. बट यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो जीरो होगा. एंड ध्यान रखना है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस ऑफ एम बी है. ठीक है ना? यस सर. ठीक है. यस सर. यस सर. फिर आपको अगर ये भी याद हो तो हमने अगर बार मैग्नेट को किसी आर्बिट्री पोजीशन से छोड़े तो वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास क्या होगा? ऑसिलेट करेगा, राइट? और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है. ठीक है. सो इफ रिलीज फ्रॉम एन आर्बिट्री पोजिशन ऑफ थीटा the magnet will oscillate with maximum kinetic energy at stable equilibrium position, and therefore kinetic energy initially plus potential energy initially can be written as K max plus potential energy minimum. So initial kinetic energy is zero. So zero plus minus of mb into cos theta is equal to k max and plus minus of mb. But अगर ये theta छोटा होता तो ये oscillation SHM में convert हो जाता. याद है आपको? Yes sir. Yes sir. For small theta, these oscillations convert into SHM of time period T will be 2 pi root under I by MB हो जाएगा. Moment of inertia about axis of rotation divided by M into B. ये लिखेंगे ना? Yes sir. वहाँ पे 2 pi root under I by P था, यहाँ पे I by MB हो जाएगा. इस पे बेस करके अभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इस एक्सप्रेशन से. जैसे वहां पे डाइपोल में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखता, बट बार मैग्नेट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे. अब उसमें क्या करते हैं, कई बार बार मैग्नेट को तोड़ के फिर उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड में डालने के क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको दिखेंगे. जैसे बार मैग्नेटिक दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड भी आपको एक दिया हुआ है. उसके बाद वो बोलते हैं कि इस बार मैग्नेट को मैंने तोड़ दिया
और उसका फिर से सेम फील्ड में डाल दिया, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा। तो ब्रेकिंग ऑफ बार मैग्नेट से रिलेट करता हुआ यहाँ पे इसमें क्वेश्चन कैसा हो सकता है उसकी बात करते हैं। इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन, मैग्नेट इज ब्रोकन एंड अलाउड टू ऑसिलेट इन सेम फील्ड, अलाउड टू ऑसिलेट इन सेम फील्ड, then to compare time period t की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो थिन है, और अगर बार मैग्नेट थिन हो तो फिर उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन किसका यूज होगा, रॉड का हो गए नहीं? Yes, sir. तो ML square by 12 या ML square by 3 depend करता है कि आप किस axis के about उसको घुमा रहे हैं। अगर end के about, end को fix hinge कर दिया है, तो end के about ML square by 3 लिखेंगे। अगर center के about घुमा रहे हैं, तो फिर तो ML square by 12। अगर कोई भी point नहीं दिया है कि कहाँ के about घूम रहा है, तब तो center about भी घूमेगा, क्योंकि center of mass तो fix ही रहेगा। तो उस केस में आपका center of mass के about ML square by 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो ML square by 12 लिखा आपने, ठीक है? ये matter नहीं करेगा, 12 का factor matter नहीं करेगा। और जब हम मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट में क्या लिखोगे आप, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ के लिए ना मैं MP लिख ले रहा हूँ, MP क्योंकि ये स्मॉल m के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा। स्मॉल m हम मास के लिए भी लिख रहे हैं और स्मॉल m हम पोल स्ट्रेंथ के लिए भी लिख रहे हैं, तो दोनों में स्मॉल m नहीं लिख सकते, ठीक है? सो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ के लिए MP लिख रहे हैं और MP के साथ हमें L को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल गई। देखो यही है ना, दिख रही है? यस सर। ध्यान रखना है कि हमने मास m जो यूज किया ये मास के लिए यूज किया है, एंड MP जो यूज किया ये पोजीशन के लिए यूज किया है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ रही है प्रोपोर्शनलिटी में क्या आ रही है, मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मतलब मास m लिख रहे हैं, मास m मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ आ रही है। दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर। तो ये रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है? इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है? अब जैसे इसका एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ, कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को वो भी सीखिए। जैसे मान लो कि अगर ये केस है कि ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एंड इसको दो आइडेंटिकल हाफ में हमने डिवाइड कर दिया, साउथ या नॉर्थ, एंड ये मान लो उसका प्लेन ऑफ कटिंग है, दिस इज POC। तो इसका टाइम पीरियड को कंपेयर करना है। तो अभी अगर लिखोगे तो अगर मैं टाइम पीरियड टी डैश लिखूं, ठीक है, टी डैश, तो प्रोपोर्शनलिटी में क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रूट के अंदर मास, मास आधी हो गई नहीं हो गई? यस सर। तो m बाई टू डालेंगे, लेंथ भी आधी हो गई नहीं हो गई? यस सर। l बाई टू डालेंगे, बट क्या पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज आया? नो सर। नहीं, नो सर। MP लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो हाफ ऑफ हाफ 1/4 हो गया, एंड देन रूट डाल दिया आपने, तो रूट डालोगे तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ टी आ जाएगी, टी बाय टू, हाफ ऑफ टी। समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे एक और देखो, और इस बार मान लो हमारा, इस बार मान लो प्लेन ऑफ कटिंग हमारा ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट है। This is POC now. POC is plane of cutting. ध्यान रखिएगा। इस बार time period को compare करें। Mass आधी हो गई नहीं हो गई? Sir same था गए। Good. Mass आधी हो गई है। Length में कोई change नहीं हुआ है। But length आधा हो गया। Position भी आधा हो गया। आधा और आधा ये तो कट ही गया आपस में। इसका मतलब unchanged रह गया। तो T dash की value क्या रह गई? T रह गई है। करें? Yes. तो time period change करेगा या नहीं ये depend करेगा कि आपने कैसे काट के कैसे place किया है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे मान लो कि अगर उसने बोल रखा है कि हमने बार मैग्नेट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और प्लेन ऑफ कटिंग परपेंडिकुलर टू लेंथ था, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लेंथ मतलब फर्स्ट केस जो दिखा रखा है वैसे ही काटा है, और सारे मैग्नेट को फिर क्या किया, एक दूसरे के ऊपर जोड़ दिया, एक दूसरे के ऊपर असेंबल कर दिया। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? यस यस सर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर असेंबल करके रख दिया, मतलब जैसे बुक्स को स्टैक करके रखते हैं आप एक के ऊपर एक, वैसे ही सारा n पार्ट्स को वैसे स्टैक करके रख दिया। और अब पूछा कि बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, t बाय n,
बाय n पार्ट्स थे t बाय n होगा जस्टिफाई करिए सर क्योंकि ये जो फर्स्ट केस में हम लोग जब इसको दो पार्ट में काट रहे हैं तो t बाय 2 हो रहा है तो वैसे ही t बाय n हो गया अब सबको अगर एक के ऊपर एक लगा रहे हैं तो सेकंड केस जैसा हो जाएगा तो फिर तो t बाय n ही रह जाएगा अगर अगर आप फॉर्मूला भी यूज करते ठीक कह रहे हैं अगर आप फॉर्मूला यूज करते तो भी आ जाता देखो टाइम पीरियड क्या था प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय पोल स्ट्रेंथ तो n पार्ट्स है तो मास कितना हो गया सबका 1 बाय n पार्ट हो गया बट सारा को फिर जब जोड़ दिया आपने तो मास में कोई फर्क पड़ा क्या नहीं पहले आपने काटा फिर काटने के बाद फिर रख भी तो दिया तो मास में तो कोई चेंज नहीं मिला आपको मिला क्या मास में कोई चेंज नो सर नहीं बट लेंथ तो 1 बाय n हो गया ना यस सर हो गया नहीं हो गया यस सर एंड अगर क्रॉस सेक्शनल लिया भी देखोगे तो सारे मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर लगे हुए जैसे एक बुक का जो थिकनेस है अगर उसके ऊपर तुमने n बुक सेम थिकनेस का लगा दिया तो टोटल थिकनेस कितना हो गया n टाइम्स हो गया नहीं हो गया यस सर समझ आ रही है समझ आ रही है यस सर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया आपका n टाइम्स हो गया है मतलब पोल स्ट्रेंथ भी n टाइम्स हो गया है तो लेंथ हो गया 1 बाय n और पोल स्ट्रेंथ हो गया n टाइम्स तो ओवरऑल देखोगे तो t डैश क्या हो गया 1 बाय n टाइम्स ऑफ प्रीवियस हो गया समझ आ गई ठीक है वैसे भी आप कर सकते थे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स आपको याद है ये यार रिजल्ट याद है शॉर्ट बार मैग्नेट्स है ये नॉर्थ सॉरी ऐसे लिख लेते हैं ये साउथ ये नॉर्थ एंड यहाँ पे एक और बार मैग्नेट ले लिया ये साउथ ये नॉर्थ एंड इन दोनों के बीच की सेपरेशन हमें ये आधी हुई है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m2 तो निकालने का तरीका क्या था याद है ये बार मैग्नेट m1 की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगी b1 आपको मैंने कौन से तरीके से दिखाया था मतलब पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के फिर डिफरेंशिएट करके या वेरिएबल फील्ड वाला m p into d by dr करके db by dr करके d by dr करके यस सर यस सर कौन सा d by dr p into d by dr करके ये निकाला था ना यस सर हां तो सेम चीज यहां पे भी वैलिड होगा यही चीज आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालनी है तो क्या करेंगे आप m2 into db1 divided by dr करेंगे समझ आ रही है तो m2 n into d by dr of यहाँ पे क्या लिखेंगे 2k into m1 divided by r cube हो जाएगा और यहाँ से देखोगे तो आपके पास आ रही है minus of 6k into m1 m2 divided by r to the power 4 आ गया ये negative का significance आपको बताया था ये attractive nature को indicate करता है और कोई काम नहीं है इसका बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 आ रही है क्लियर है यस सर ठीक है ना यस सर ये इंटरैक्शन फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो हमने कैलकुलेट किया दो बार मैग्नेट का ये दो बार मैग्नेट का नहीं होके एक छोटा कॉइल और एक बार मैग्नेट का भी हो सकता था वो भी कर सकते थे जैसे अगर इसी पे डायरेक्टली अगर यूज करो इसी को स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह का सोचो यूज करने की कोशिश करें तो सोचो यहाँ पे क्या क्या किसी ने ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है इमेजिन करो यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल दे दिया ठीक है दिस हैज अ करंट ऑफ से आई एंड दिस लूप हैज अ रेडियस ऑफ मान लेते हैं आर एंड इसके साथ काफी डिस्टेंस पे इमेजिन करो हमने यहाँ पे मान लो कि एक बार मैग्नेट रख दिया ये साउथ और ये नॉर्थ साउथ एंड नीचे लिख देते साउथ एंड साउथ एंड नॉर्थ ठीक है और अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन आर दी हुई है
एंड बता दिया है लूप एंड बार मैग्नेट आर स्मॉल, दोनों ही छोटे आर स्मॉल. अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है आपको, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितनी होगी ये फाइंड करनी है. तो इस सिचुएशन को एनालॉगस देख सकते हैं ना, करंट कैरिंग लूप को हम एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करते हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो लिखते हैं एम वन, अगर लिखें तो ये एम वन कितनी लिखोगे आप, करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये लिखोगे ना? Yes, sir. लिखोगे. और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये तो नॉर्मली आप जैसे निकालते हैं एम टू लिख लें इसको, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा सिंस एक्चुअल पोजिशन है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 6 के इंटू एम वन एम टू एंड डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4. समझ आई? Yes, sir. ठीक है, तो करंट कैरिंग लूप को भी आप एक बार मैग्नेट की तरह इमेजिन कर सकते हो. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है.